नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज ही आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ आवर फॉलोअर्स फॉर योर सपोर्ट। नाउ वी आर 1K फैमिली ऑन फेसबुक। आप सभी लोगों का दिल से आभार। फेसबुक पर 1000 लाइक्स एंड फॉलोअर्स की खुशी में इस महीने रोज 12 खाड़ी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि यूट्यूब पर भी इसी प्रकार से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहेंगे। हिंदी 12 खाड़ी। हिंदी 12 खाड़ी के द्वारा मात्राओं का ज्ञान होता है, जिससे आप नाम, एड्रेस, शब्द, वाक्य हिंदी में इजीली सीख लेते हैं। साथ ही में देवनागरी लिपि को रोमन लिपि में कैसे बदलेंगे यह भी जानेंगे। आइए देवनागरी को रोमन लिपि में कन्वर्ट करने का तरीका सीखते हैं। आज का हमारा वर्ण है क। क को आज हम लेकर चलते हैं। जैसे कि आपको पता है यह सभी स्वर हैं, आ आ ई उ उ ए ए, और ये आप सब पढ़ चुके हैं। अगर हम अ को चेंज करेंगे रोमन में तो वह बन जाएगा इंग्लिश का ए, आ डबल ए, ई आई इ डबल आई, उ यू उ डबल यू, ए E I E I O O Au A U Ang A N Anha A H। ये सभी मात्रा हैं, ये आप सब जानते ही हैं। अगर हम, जैसे कि आपको पता है अ की मात्रा नहीं होती, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। आ की मात्रा लगी तो का, की, कि, कु, कौ, के, को, कौ, कं, कन्हा। आइए अब इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। अ की मात्रा नहीं होती। आ, आ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? का, का, की एक का, ई, ई की मात्रा लगी तो की, के आई की, ई, ई, की बना, की, के डबल आई की, उ, कु, के यू कु, ओ, कु कू। री की मात्रा में क्री, के आर आई क्री। ए की मात्रा के ई के। आई की मात्रा के आई के। ओ की मात्रा में को। औ की मात्रा में को, की डबल ओ को। अंक की मात्रा में लगा तो का, की एन कन। अंक अन्हा की मात्रा लगी तो बना कह, के एच के ए एच कह। इसी प्रकार से देखते रहें और सीखते रहें। इसी आशा के साथ YouTube पर भी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।